हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर पे। दोस्तों, यह इवेंट ब्लॉगिंग सीरीज का चौथा वीडियो है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि अभी हमारे चैनल पे एक इवेंट ब्लॉगिंग का सीरीज चल रहा है जिसमें हम इवेंट ब्लॉगिंग को लेकर काफ़ी सारे बिगनर टू एडवांस लेवल के वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उस सीरीज़ को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हम पर डे यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि एकदम बिगिनर के लिए है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स को जिसको आप टारगेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग सेटअप करने के लिए। दोस्तों, हम इवेंट ब्लॉग के जो इवेंट्स हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए हमने कॉम्पिटिशन वाइज कुछ लिस्ट बनाया है। कॉम्पिटिशन वाइज इसलिए लिस्ट बनाया है क्योंकि आपको टारगेट करने में या काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप किस कंपटीशन के इवेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। मैं इस लिस्ट को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा एक पीडीएफ के फॉर्मेट में, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कितना इम्पोर्टेंट है कंपटीशन। दोस्तों, कंपटीशन इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि न्यू ईयर हो गया या फिर क्रिसमस हो गया, इस इवेंट पर बहुत से लोग जो है इवेंट ब्लॉग्स बनाते हैं। तो ऐसे में आपके न्यूवी होने के अनुसार आपका जो ब्लॉग है उसके चांस बहुत कम होंगे रैंक करने के लिए। हालांकि कोई नहीं जानता कि किसका ब्लॉग रैंक करेगा, या आपके मेहनत और आपके स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग रैंक करेगा किसी और का ब्लॉग रैंक करेगा। लेकिन अगर आप एक नए खिलाड़ी हैं इस फील्ड में तो मोस्ट ऑफ चांसेज है कि आपकी ब्लॉग रैंक नहीं करेगी। ऐसे में जो हाईली कॉम्पिटिटिव अगर की इवेंट आप चूज करते हैं तो आपका जो ब्लॉग है वह रैंक नहीं करेगा और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप अगर फर्स्ट टाइम इवेंट ब्लॉग कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि जो लो कंपटीशन वाले इवेंट्स हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और भी जो स्टेट लेवल की फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, पोंगल, बिहू, ओनम इस तरह की, या फिर कुछ और योगा डे, इस तरह की जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, या फिर आपके कोई एरिया में कोई मेला वगैरह लगता हो, या फिर कोई ऐसा इवेंट जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इंटरनेट को यूज़ करने के लिए साथ आते होंगे, वो इवेंट किसी भी तरह का हो सकता है। तो या फिर आप ऐसा कुछ जज कर पा रहे हैं कि इन अगले एक महीने के अंदर कुछ ऐसा लॉन्च होने वाला है जो उतना ज़्यादा हाइप नहीं है, जिस चीज़ का लो कंपटीशन वाला इवेंट है जिस पे लाखों लोग टारगेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स है इवेंट्स है उस पर तो लाखों लोग अपने इवेंट्स ब्लॉग बनाते हैं। ऐसे में आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई रैंक करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ हाई कॉम्पिटिटिव इवेंट्स की। हाई कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में आप देख सकते हैं न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली है, होली है, ओलंपिक्स का गेम है, फीफा वर्ल्ड कप है, एग्ज़ाम रिजल्ट्स, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट्स आते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स हो गया, फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप। एग्ज़ाम रिजल्ट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स हाईली कॉम्पिटिटिव इवेंट भी हो सकता है और लो कॉम्पिटिशन वाला इवेंट भी हो सकता है। अगर आप CBSE रिजल्ट को टारगेट कर रहे हैं फिर यह एक हाई कॉम्पिटिशन वाला इवेंट है। अगर आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी यूनिवर्सिटी है उसके रिजल्ट को टारगेट कर रहे हैं फिर यह लो कॉम्पिटिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक स्टार्टअप के रूप में। उसके बाद जो मीडियम कॉम्पिटिशन वाला कीवर्ड है उसमें आप देख सकते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, इलेक्शन जो होते हैं, सुपर बॉल फाइनल्स। ये जो सुपर बॉल का फाइनल है काफ़ी हाई कॉम्पिटिटिव इवेंट है, लेकिन इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। IPL हो गया, चाइनीज़ न्यू ईयर, IPL से याद आया, मैंने IPL को इस साल टारगेट किया था जिससे मैंने करीबन $1000 अर्न किए हैं। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिए कि क्या किस तरह से मैंने बिना SEO के IPL को इवेंट ब्लॉग करके टारगेट किया। उसके बाद जो लो कॉम्पिटिशन की बार है मैंने पहले ही बताया, कोई वीडियो गेम जो लो लेवल का है रिलीज हो रहा है, कोई मूवी रिलीज, ऐसा मूवी रिलीज हो रहा है जिसकी हाइप उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप सलमान खान, आमिर खान की मूवी को टारगेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है और उस पर कुछ ब्लॉग्स पहले से ही रैंक कर रहे होते हैं और न्यूज़ वेबसाइट्स को बीट कर पाना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। या फिर आपके एरिया में कोई लोकल इवेंट है, स्टेट वाले फेस्टिवल जो पहले भी मैंने बताया, पोंगल, बिहू, ओनम और भी बहुत से स्टेट फेस्टिवल होंगे आपके एरिया में जो भी आप देख सकते हैं, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, या फिर इंडियन लेवल पे जो है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, इस तरह के इवेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो मैं जो इस पूरी लिस्ट को मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में। इसके बाद भी इवेंट्स को टारगेट करने से पहले आपको रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। आप इवेंट्स के बारे में सोचिए क्या सब इवेंट्स आने वाले हैं, आप गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल कीजिए
और मैं आपको दो तीन टूल ऐसे बता देता हूँ जिससे आप सर्च कर सकते हैं। पहला है गूगल ट्रेंड्स, दूसरा है डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम से आप इवेंट सर्च कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड से आप सर्च कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन से इवेंट्स किस तरह से, कौन सा जो है सर्च क्वेरी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, आप देख सकते हैं मदर्स डे 2019, गेम्स ऑफ थ्रोन। इस तरह का आपको एक ग्राफ मिलेगा जहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं क्या चीज़ हाइप पे होने वाली है और क्या चीज़ मतलब किस तरह से होने वाला है। पिछले ईयर्स के भी सर्चेज को आप देख के यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। टाइम एंड डेट से आप वर्ल्ड वाइड यहाँ से आप वर्ल्ड वाइड जो हॉलीडे कैलेंडर है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इंडिया सर्च कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं एवरी डे का जो भी हॉलीडे है। यहाँ से आप इसमें से जो भी आपको छोटा इवेंट लगे उसे टारगेट कीजिए, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स वाले इवेंट पे जाना अभी समझदारी की बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं अपने इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। गुड बाय।